घटना हरदोई के थाना शाहबाद अंतर्गत ग्राम सिकंदरपुर कल्लू की है कि जब मीना नाम का किन्नर तबियत खराब होने की वजह से अपने कमरे में लेटा हुआ था, तभी दो युवक घर में घुस गए तथा लूटपाट करने लगे। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने किन्नर के साथ मारपीट की तथा गर्दन पर चाकू मारकर घायल कर दिया। सूचना मिलते ही शाहबाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद भिजवाया। किन्नर ने बताया कि वह युवकों को पहचानता है। पुलिस ने युवकों की तलाश में छापेमारी तेज कर दी है। मैं आपका ये घटना कब हुई आपके साथ? ये अभी हुई। क्या हुआ है? घर में हम लेटे थे, दवा खा के कुंडी खुला था, वो दोनों लड़के हेल गए अंदर में हेल के मुंह बंद कर दिया, गोड़ हाथ बांध दिया, पहले तमंचा दिखाया, उसके बाद चकुआ चलाया, मेरे गर्दन पे चकुआ पकड़ लिया तो पत्थर से मेरे हाथ कूच दिया, मारा खपड़े पे बहुत पत्थर मारा। क्या 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 सामान आपका? हमारा आधा किलो 150 ग्राम चांदी गया, 2 तोला सोना गया, 10,000 रुपया नगद गया, मोबाइल। कोई पुरानी रंजिश? कोई पुरानी रंजिश ना हुई है सर, इसके बारे में आपको क्या जानकारी? देखिए जानकारी ये संज्ञान में आई है कि ये मीना उर्फ दशरथ यादव नाम के एक किन्नर है, जो कि ये ग्राम सिकंदरपुर कल्लू, ये रेलवे लाइन के जस्ट नज़दीक ही जो है, ये मकान मालिक है रामबरन सनाफ गिरधारी लाल, इनके आवास में विगत 4-5 सालों से आवासित है, और उस घर में जो है और भी दो एक किन्नर रहते हैं। आज की तारीख में जो है मात्र ये अकेले जो है अपने घर में थी, तो जैसा इससे बातचीत के क्रम में ये जानकारी हुई कि एक दो लड़के यादव नाम के दो लड़के ये एक दिन पहले भी जो है इसके घर के आसपास चक्कर लगा रहे थे, और आज की तारीख में जो है ये दवा खा करके अपने घर के अंदर थी, तो ये दोनों लड़के घर में प्रवेश किए हैं और ईंटों से इसको जो है मार करके घायल किया है, और कुछ 10,000 रुपये और कान की बाली इस तरह सामान लेकर के ये सब भाग गए हैं। और इसके द्वारा ये बताया गया है कि ये मनचलिया बुद्धापुर का एक डांसर है, जो कि अपनी पत्नी के साथ एक दिन पूर्व आया था, और वो इन दोनों लड़कों के बारे में जो यादव हैं इनके बारे में वो जानकारी रखते हैं। जांच पड़ताल की जा रही है और अभी विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, और चूंकि इसके द्वारा किन्नर द्वारा ये दोनों लड़कों के संबंध में उसकी कास्ट के बारे में कुछ संकेत दिए हैं, जिससे मामला कुछ अभी संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, और यद्यपि अभी जो है वो तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर प्राप्त होते ही संगत धाराओं में जो है मामला पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जाएगी।